दोस्तों एक दिन कैप्टन स्पाडी को एक पोर्टल बनाने में मदद करती है और जिस पर स्पाडी कैप्टन को थैंक यू देता है और फिर कैप्टन स्पाडी से कहता है कि ध्यान से करना, पिछली बार तुमने क्या किया था याद है ना। और फिर हमें पिछली बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्पाइडी कैप्टन के मदद से बहुत सारे अमेजिन कैप्टन स्पाइडी को जन्म दिया था और वो लोग एवेंजर्स पर हमला करके दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश किया था। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर स्पाइडी कैप्टन से कहता है कि उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली बार हमने क्लोनिंग मशीन बनाई थी लेकिन इस बार हम लोग पोर्टल जनरेटर बना रहा हूँ। और फिर कैप्टन स्पाइडी से कहता है कि जो भी करो ध्यान से करना और ये बोलकर कैप्टन वहां से चला जाता है। और फिर स्पाइडी अपने काम शुरू करता है और काम करते करते रात हो जाती है। फिर स्पाइडी को काफी नींद आती है और वो वही सो जाती है लेकिन नींद पर स्पाइडी ऐसा ही कुछ हरकतें करने लगता है और वो नींद पर लैपटॉप स्क्रीन पर ऐसा ही कुछ बटन दबा देता है और जिनसे पोर्टल मशीन खराब हो जाता है और उसमें से जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और अलार्म सुनकर स्पाइडी के नींद टूट जाता है। और फिर स्पाइडी सामने का नजारा देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि सामने पोर्टल मशीन एक्टिवेट हो गए थे। और फिर अलार्म सुनकर कैप्टन टोनी और थॉर तुरंत वहाँ पर आ जाती है और टोनी कहता है ये सब कैसे हुआ, किसने किया। कैप्टन कहता है स्पाइडी ये सब तुमने तो नहीं किया। स्पाइडी कहता है मुझे पता नहीं कैप्टन ये सब कैसे हुआ। और तभी पोर्टल जनरेटर से एक तेज लाल रोशनी निकलता है और मशीन अचानक से बंद हो जाता है और फिर सारी एवेंजर्स मशीन की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। और कैप्टन कहता है मैं ये क्या देख रहा हूँ। थॉर कहता है तू वही देख रहा है जो हम लोग देख रही हूँ। एक्चुअली वो लोग पोर्टल से दूसरे दुनिया के एवेंजर्स को आते हुए देखता है जिसमें दूसरे दुनिया के टोनी थॉर और कैप्टन होते हैं। और फिर टोनी कहता है ये लोग कौन है। स्पाइडी कहता है ये लोग तो दूसरे दुनिया के एवेंजर्स लगता है। और ये बोलकर स्पाइडी उनके सामने जाकर खुद की इंट्रोडक्शन करता है कि मेरा नाम स्पाइडरमैन है और आप लोग मुझे प्यार से स्पाइडी बुला सकते हैं। फिर दूसरे दुनिया के टोनी बोलता है अपना इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले हमारे इंट्रोडक्शन सुन ले। तो मैं हूँ वर्ल्ड के सबसे फेमस मेटालिक मैन। फिर दूसरे दुनिया के थॉर कहता है मैं हूँ एसगार्ड के रूलर थंडर। फिर दूसरे दुनिया के कैप्टन कहता है मैं हूँ कमांडर अमेरिका। और हम सब लोगों को एक साथ कहता है द एवन जेनेटर्स। और फिर टोनी हंसते हुए कहता है ये कोई टीम है एवन जेनेटर्स और इनका नाम तो देखो मेटालिक मैन, थंडर, कमांडर अमेरिका, लगता है कोई सड़ा हुआ नाम है। और फिर टोनी को उनको मजाक उड़ाता हुआ देखकर थंडर को काफी गुस्सा आ जाता है और थंडर कहता है तुम हमारे मजाक नहीं उड़ा सकते, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ एस्गार्डियन का राजा थंडर और अगर मुझे पूरी तरह से गुस्सा आ गया तो इस हैमर से मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। और फिर एवेंजर्स और एवेंजेनेटर्स के बीच में लड़ाई हो जाता है। स्पाइडी उनको झगड़ा रोकने के लिए कहता है लेकिन एवेंजर्स और एवेंजेनेटर्स मानता ही नहीं। वो लोग एक दूसरे के खिलाफ काफी नफरत करने लगता है और फाइट करने लगता है। स्पाइडी उनको काफी समझाता है कि ये सब मेरे गलती के वजह से हुआ, प्लीज तुम लोग आपस में लड़ाई बंद करो। और जिसके बाद एवेंजर्स और एवेंजेनेटर्स मान जाता है और वो लोग लड़ाई बंद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेडपूल आ जाता है और वो आते ही बकचोदी करने लगता है कि ये लोग टट्टी कौन है, और जिसे सुनकर एवेंजेनेटर्स को काफी गुस्सा आ जाता है। और उनको गुस्सा होता हुआ देखकर डेडपूल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और फिर एवेंजेनेटर्स गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एवेंजर्स पर हमला कर देता है, और जिसके बाद एवेंजर्स और एवेंजेनेटर्स के बीच में फिर से लड़ाई हो जाता है। और फिर एवेंजर्स और एवेंजेनेटर्स के बीच में लड़ाई करता हुआ देखकर स्पाइडी काफी परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा, कैसे इनके फाइट को रोकेगा। और ये सोचकर स्पाइडी जोर से चिल्लाने लगता है और तभी स्पाइडी के नींद टूट जाता है। और फिर स्पाइडी सोचता है कि क्या ये एक सपना था, काफी खतरनाक सपना था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा देना ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे।